हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एसएससी पार्ट टू मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री पेपर। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन करेंगे। सेक्शन बी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं सेक्शन सी, तीसरा सेक्शन जो 24 मार्क्स का है, और इसके अंदर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, गिवन 6 है। ठीक है, और ये हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स के, इसलिए 4 आप अटेम्प्ट करेंगे तो 24 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल में लिखना होगा, लेकिन आप सोच के ऑर्गेनाइज करके टाइम मैनेजमेंट के साथ में करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर लिपिड्स? राइट 5 डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। पहले हमें लिपिड को देखना पड़ेगा, लिपिड्स क्या है। ठीक है, ये हेटरोजेनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कंपाउंड है। ठीक है, जो कि मुश्तमिल होता है फैटी एसिड पे। फैटी एसिड किसको कहते हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, ये लिपिड और इसके डेरिवेटिव्स जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है। इनमें ये डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लिपिड जो है एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सेल के लिए। ये हमें मिलता क्या है, कहाँ से नेचर में? ऑयल से, वैक्स से और स्टेराइड से मिलता है। अब फैटी एसिड को देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली फैटी एसिड के अंदर एक अल्काइल रेडिकल होगा जो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है, और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर C=H। अल्काइल रेडिकल जो है वो लॉन्ग चेन होती है, जैसे ये पामेटिक एसिड की एग्जाम्पल उन्होंने दी है कार्बन 15 का है, और स्टीयरिक एसिड की एग्जाम्पल दी है कार्बन 17 है, और साथ में हाइड्रोजन को सेचुरेट या करेगा या अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, और साथ में ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोक्सैलिक एसिड। ठीक है, और ये जो है हमें मिलता जो है वो आमतौर पे ईस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके मेन सोर्सेस क्या है? मेन सोर्सेस जो है वो एनिमल सोर्स में हमें मिल जाता है, बटर की सूरत में, घी, चीज, ये सारे एनिमल सोर्स में, वेल है यानी सी सी रिसोर्स से भी मिल सकता है। प्लांट में हमें ये कोकोनट है, ग्राउंड नट है, कॉर्न है, कॉटन सीड है, ऑलिव है, ये सारे हमारे हैं प्लांट्स ओरिजिन। ठीक है, ये तो हो गया लिपिड। अब इसके डिफरेंस लिखने हैं। लिपिड को जो फैटी एसिड है उसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, फैट्स और ऑयल। फैट जो है वो इंसॉल्युबल इन वाटर होते, और दोनों इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। फैट जो है वो सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है रूम टेम्परेचर पे, ऑयल जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब वन बाय वन हर एक की एक्सपेक्ट का पॉइंट देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, नंबर 1 जो है वो इनके स्टेट पर है, फैट्स अकर इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ऑयल्स अकर एट लिक्विड एट फ्रॉम रूम टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, दे आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। जो फैट के रिसोर्सेज हैं, सोर्स है वो एनिमल ओरिजिन है, और जो ऑयल का रिसोर्स है मोस्टली वो प्लांट ओरिजिन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दे आर सैचुरेटेड। फैट्स आमतौर पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अच्छा, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले में? ऑयल के मुकाबले में, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी लिक्विड है तो मेल्ट सूरत में आपके पास मौजूद है। अच्छा, कैलेस्ट्रॉल जो है ये बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ऑयल जो है कैलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं करते। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। आपको सोप फॉर्मेशन का बताना है, और सोप फॉर्मेशन कैसे होती है उसको सारे स्टेप बताने हैं। पहले आप फ्लो चार्ट की मदद से पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑयल या फैट लेना होगा। ऑयल जो आमतौर पर लेते हैं वो हम नॉर्मल यूज के लिए करते हैं, और फैट से जो हम सोप बनाते हैं वो आमतौर पे वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ऑयल को या फैट जो है इसको डीकलराइज वगैरह कर लेंगे, फिर एक्चुअली सोनिफिकेशन करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है सॉलिड सोप के लिए, और हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं अगर हम सॉफ्ट सोप या लिक्विड सोप बनाना चाह रहे हैं, जेली की सूरत में बनाना चाह रहे हैं या लिक्विड बनाना चाह रहे हैं। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। अब सोप के अंदर जब हम इसको दोनों
हीट करते हैं इसको। सबसे पहले हम ऑयल और फैट को हीट करने के बाद उसको सेटल डाउन, कूल डाउन कर देते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है, तो उसको कूल डाउन करते हैं। दोनों को कूल डाउन करने के बाद क्या करते हैं, ये इसके एक मिक्सचर बन जाता है। इस मिक्सचर में ग्लिसरीन भी होता है, वाटर भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और ऑयल भी होता है। अब हम इसको सेटल करेंगे। सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन क्या करेंगे, इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ब्राइन सोल्यूशन, जो कि 15% NaOHCl का सोल्यूशन होता है, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, वाटर के अंदर बनाया जाता है, वो ऐड करते हैं। तो ये सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ग्लिसरीन अलग हो जाता है और सोप अलग हो जाता है। ठीक है, सो अब जो है हमने ग्लिसरीन जो है वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है सोप के मुकाबले में। सोप लाइट होता है, वो सॉलिड होता है, ऊपर आ जाते हैं और ग्लिसरीन नीचे चला जाता है। ग्लिसरीन को हम केटल के अंदर से आराम से रिमूव कर लेते हैं और सोप हम अलग करते हैं। अब सोप के अंदर क्या क्या चीजें रह गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर ऑयल का मिक्सचर है। ठीक है, इसको हम सिट्रिक एसिड की मदद से फर्दर प्यूरीफाई करते हैं। कैसे प्यूरीफाई करेंगे, जब हम इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑयल सोप अलग हो जाएगा और रिमेनिंग जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर या ऑयल रह गया वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सोप तैयार हो चुके हैं। इसको हम क्या करेंगे, फिनिशिंग प्रोडक्ट मिलाने के लिए क्या करेंगे, कलर एसेंस या स्मेल के लिए, ऑर्डर के लिए हम जो भी प्रिजर्वेटिव वगैरह डालना चाहे इसको डाल लेंगे। ये तो हमारे का फ्लो चार्ट। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आप इस फ्लो चार्ट की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट, ये जो स्पेसिफिकेशन जो है, ये एक्चुअली प्रोसेस है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अभी हमने पढ़ा ना, देखा था, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और ये फैटी एसिड होते हैं एक्चुअली, और ये सोप मेकिंग के प्रोसेस में काम आते हैं। ठीक है, ये हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक होकर जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वहां पर आ जाता है। ठीक है, और बॉन्ड बन जाता है फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा, इसकी वजह से जो सोडियम आने की वजह से जो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद आते हैं, तो अब ये आयन आ गया है, तो अब ये क्या वाटर सॉल्युबल बन गया है, तो इस वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, अब एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। हमें कहाँ से मिलते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एनिमल और वेजिटेबल्स हैं। एनिमल फैट्स जो है हमें एनिमल ओरिजिन से, और वेजिटेबल ऑयल जो है हमें प्लांट ओरिजिन से मिल जाते हैं, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, हार्ड सोप जो बनाते हैं वो मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, और सॉफ्ट जो यूज करते हैं जैसे वो जेली की सूरत में या लिक्विड की सूरत में, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं अगर सॉफ्ट प्रोड्यूस करने। अब इसके लिए चार जो है हमें स्टेप चाहिए। पहले स्टेप में हमें क्या चाहिए, प्लांट ऑयल और एनिमल फैट चाहिए। ठीक है, दूसरे स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाई भी कहते हैं वो, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लाई, ये दोनों चाहिए। वाटर में मिक्स कर लेंगे तो ये लाई बन जाएगा। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन चाहिए, ग्लिसरीन रिकवरी करने की चाहिए, एडिटिव कलर टेक्सचर अगर हम चेंज करते हैं, सेंट कोई कलर, कोई खास स्मेल देना चाहते हैं, डाई कलर परफ्यूम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आखिर में एब्रेसिव यूज करते हैं, कि जैसे उसके किस तरह की अपेयरेंस होनी चाहिए, उसके लिए हम टेलकम यूज करते हैं, सिलिका यूज करते हैं और मार्बल यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब एनिमल फैट हमें कहाँ से मिलता है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें काऊ वगैरह से मिल जाता है। ठीक है, प्लांट हमें कहाँ से मिल सकता है, प्लांट वाल कनोला है, सनफ्लावर है, ये सारे हमें आमतौर पे कोकोनट है, ऑलिव है, पाम है, ये हमारे प्लांट ओरिजिन ऑयल है। ठीक है, अच्छा, कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम अल्कली कहते हैं, ये हमें फ्लैक या बीड्स की सूरत में मिल जाते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको वाटर के अंदर जब मिक्स करते हैं तो इसको लाई कहते हैं, लाई सोल्यूशन। ठीक है, और एडिटिव जो है आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, ब्राइटनेस के लिए, कलर स्ट्रक्चर के लिए, सेंट के लिए, या फिर वाटर सॉफ्टनिंग के सॉफ्ट करना चाहें उसको, तो आप यूज करते हैं। एब्रेसिव आप क्या कर सकते हैं कि डायटमिक सिलिका है, मार्बल है, वॉल्केनो ऐश है, ये तमाम चीजें डाल के आप उसकी अपीयरेंस अच्छी कर सकते हैं। इस तरह से ये तमाम, ये हम एक्सप्लेन किया जा सकते हैं सोप मेकिंग का स्पॉनिफिकेशन। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगी किस तरह इजिली कम टाइम पे ड्रॉ किया जा सकता है। राइट, अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 जो है, व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या है, हाउ डज ओजोन डिप्लीशन अकर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आल्सो मेंशन सम एडवर्स इंपैक्ट ऑन ऑफ इट। अब देखिए, इसमें तीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन है। पहला
पहला है ओजोन की डेफिनेशन, दूसरा है इसके डिप्लीशन की रीजन, और दूसरा दूसरा एडवर्स इफेक्ट है। तो सबसे पहले ओजोन रहता है, आपको पता है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसका फॉर्मूला क्या है, O3, तीन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, नेचुरल जो है वो ये क्या करते हैं, ये जो भी चीज हर चीज को डैमेज करते हैं। एटमोसफेयर में इसकी अच्छी खासी लेयर होती है, लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यूवी लाइट को पास नहीं होने देती, अर्थ पर नहीं आने देती, जिसकी वजह से अर्थ के अंत के में जो लाइफ है वो सिक्योर रहती है। अच्छा, ओजोन लेयर कहाँ पर होती है, तकरीबन 6 to 30 miles अबव द अर्थ सर्फेस होते हैं, और ये डिक्रीज हो रही है, इसकी क्वान्टिटी, इसकी डिक्रीज होने की वजह से क्या होते हैं, यूवी लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचने लगी है। अच्छा, अब डिप्लीशन कैसा होता है, 3 ऑक्सीजन एटम जो कि ओजोन बनाते हैं, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो ज्वाइन होती है, मॉलिक्यूल होते हैं, और मिड स्ट्रेटोस्फेयर में, ये इसकी लेयर मौजूद होती है। अच्छा, डिफरेंट केमिकल जो हम यूज करते हैं वो इसके डिप्लीशन की वजह है, ठीक है, और उसमें सबसे अहम जो है क्लोरोफ्लो का क्लोरोकार्बन, और ये कहाँ पे होते हैं, रेफ्रिजरेंट, जितनी भी ठंडा करने वाली चीजें होती है ना, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें आमतौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है, और वो कंटिन्यू निकलता रहता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन होती है। अच्छा, दी सब्सटेंस लीक इन सम वे एंड डिस्पर्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, ये लीक हो जाते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, वहां पे क्लोरीन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद क्या होती है, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ आने लगती है, और क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे होता है ये रिएक्शन, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन का, कि किस तरह क्लोरीन का आयन बनता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, जिसको हम ओजोन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला O3 है, गैसियस स्टेट में है, एक क्लोरीन का रेडिकल आएगा और इसको इसका रिएक्ट करेगा और ऑक्सीक्लोराइड बना लेगा, ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब बनेगा तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये दो जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, दो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का रिमेनिंग रहा ये दूसरे जो है ओजोन को डिप्लाइट करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू होता रहे हो जाता है, और ये रुकता नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यू उसकी डिप्लीशन होती रहती है, ठीक है। अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन क्लोरो क्लोरोकार्बन, ठीक है, टू डैमेज मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, और ये थोड़े से क्वांटिटी में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर तक पहुंचते हैं वो मिलियन मॉलिक्यूल ओजोन का डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द ओजोन होल इज लोकेशन वेयर द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, और ओजोन का कि वो लेयर जो है वहां पे होल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो ओजोन का हो गया, इसके डिप्लीशन का हो गया, अब इसके एडवर्स इफेक्ट, इफेक्ट जो है इसके यहाँ पे चार लिखे हैं मैंने, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। सबसे पहला तो नुकसान है कि सनलाइट डायरेक्ट आएगी अर्थ तक, यूवी लाइट आएगी, जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल को कैंसर को फेस करना पड़ सकता है। दूसरा ये कि ओजोन की लेयर थिन होती चली जाएगी, तो मुख्तलिफ तरह की इलनेस जो है वो पॉसिबल है, उनसे बचाव मुश्किल हो जाएगा, जैसे मलेरिया वगैरह, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, फूड चेन पे भी साइकिल, जो प्लांट की फूड साइकिल है उस पर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि ये जो पैटर्न है ग्लोबल क्लाइमेट वो भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर अर्थ का ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया गया वो एशिया में और पैसिफिक एरिया में जो है, पैसिफिक रीजन में ये सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व किया गया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से, ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द गैस क्रोमेटोग्राफी। अब गैस क्रोमेटोग्राफी का आपको बताना है, और साथ में आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, टू यूजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी आपको बताना है, दो यूजेस ही बताना है गैस को, जैसे क्रोमेटोग्राफी जो है एक तरीका है जिससे जो मॉलिक्यूल को सेपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी 1950 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और गैस आपको समझ आ रहा होगा कि ये गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल होंगे या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और गैस क्रोमेटोग्राफी से टेक्निक
यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल कंपाउंड आपको पता होगा वो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है और फौरी तौर पे जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं और वो जो है एटमोसफेयर में फैल जाते हैं, ठीक है। जिसे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मोस्टली सॉल्वेंट है, मोस्टली दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। अच्छा, द वर्ड गैस क्रोमेटोग्राफी इज क्लियर फ्रॉम इट्स वर्ड दैट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ गैसेज एंड वॉलेटाइल लिक्विड इन गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट में हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड है या लिक्विड है या गैसेज है उनको सेपरेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, करते क्या है कि हम मोबाइल, इसमें दो फेज होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। फर्स्ट गैस क्रोमेटोग्राफी जो इंट्रोड्यूस कराया था वो 1950 में जॉन पीटर मार्टन ने कराया था और उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अभी आपको दिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक सिलेंडर होता है, इंजेक्टर होता है, गैस क्रोमेटोग्राफ होता है, डिटेक्टर होता है, डाटा कलेक्शन की डिवाइस होती है और ये जो फेस होता है ये इसको कंट्रोल करते हैं गैस पैसेज और पंप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम हम, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या एक डिवाइस लगाते हैं, कंप्यूटर लगा लें जो डाटा हमें कलेक्ट करके और रिजल्ट हमें ग्राफ की सर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डायग्राम देख लें, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा होगा वो एक सिलेंडर की तरह से नजर आ रहा होगा, ये इनर्ट कैरियर गैस मोबाइल फेज है, ठीक है। ये रेगुलेटर होता है, इसके साथ ट्रैप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकेंड स्टेप में हम अंदर जाएंगे, ऑटो सैंपल, यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट किया जाएगा, वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट अगर कर लेगा तो फिर उसको हाई टेम्परेचर पे करेगा, उसको चेक करेगा, डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको क्रोमेटोग्राम पे डिस्प्ले करेगा या ग्राफ के साथ में आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये 5 स्टेप इसमें होते हैं, 6 स्टेप इसमें होते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक सिलेंडर है, इंजेक्टर है, फिर ये आपका कॉलम ओवन है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर लगा होता है, यहाँ पे फिर डिवाइस लगी होती है जिस डिवाइस से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की सूरत में, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट अभी दोबारा हम देख लेते हैं। सैंपल इंजेक्टर है, फ्लो कंट्रोलर है, गैस क्रोमेटिक ग्राफिक कॉलम है आपका, ठीक है, ओवन है, फिर डिटेक्टर है, फिर कंप्यूटर है, डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, ये आपका होगा। और होता क्या है, ये जो पंप होता है यहाँ पे, ये जो ट्रैप लगा है ना पंप, ठीक है, इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो मोबाइल फोज है, जाहिर है ये मोबाइल फोज लिक्विड में भी हो सकता है। इसका एक्चुअली फ्लो रेट कितना हो, 0.01 से लेकर 100 मिलीलीटर पर मिनट, यानी इतनी तेजी से वो फ्लो किया जाता है जब भी वो उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी यूजेस जो है बहुत सारे हैं, दो यूजेस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन, सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, प्लास्टिक मटेरियल, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है टू हेल्प प्रोड्यूस प्योर प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट की प्योरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। और दूसरा हम करते हैं इंडस्ट्री में करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी टू एनालाइज कंपाउंड टू चेक फॉर ट्रेस कॉन्टेमिनेटर, कि वो कितने कॉन्टेमिनेशन के अंदर है ये चेक करने के लिए भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट? अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिफाइन इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताना है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इसके भी 3 हिस्से हैं क्वेश्चन के, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताना है और आपको ड्राइव करनी है एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सबसे पहले तो आप देख लें कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता, रिवर्सिबल हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन को जब एक खास टाइम पीरियड गुजर जाता है तो वो स्टैंड करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है बनेगा। अब एक खास टाइम गुजरने के बाद कॉम्पोनेंट में ये तीनों खास कंसेंट्रेशन में होंगे, जितनी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन होगी इतना ही जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की भी कंसेंट्रेशन होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया प्रिपेयर करते हैं तो शुरू में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ऐसा ऐसा यूटिलाइज होते हुए अमोनिया बन जाता है, फिर आखिर में ये तीनों के तीनों कैसे स्टेट में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं,
केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन जिस डायरेक्शन में जिस कंसंट्रेशन से जा रहा है बन रहा है, इतना ही बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की मुख्तलिफ टाइप होती है, हम जो बात करते हैं आमतौर पर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसके अंदर जो है जब हम एक खास टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब ये सेटल हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में एक इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब तक हम कोई फिजिकली उसको टेम्परेचर प्रेशर या स्टेट चेंज ना कर दें। ठीक है, अच्छा अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, इसको हमने मिक्स कर दिया तो सी डी बन गया। एक खास टाइम पीरियड गुजरने के बाद इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेवलप हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की होगी सी की होगी वो किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और प्लस बी के बराबर होगी। अब इसको हम फर्दर देख लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी डायरेक्टली इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी। अब एक्टिव मास क्या है, रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर इसको शो करते हैं और ये एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हम देखते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन के लिए एक हम रफ इक्वेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट में है रिएक्टेंट में ए प्लस बी और प्रोडक्ट में सी प्लस टू। रिएक्टेंट ए प्लस बी है प्रोडक्ट, अब ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ प्रोडक्ट बन रहा है तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए और बी के बराबर होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए और बी। अगर ए और बी के कंसंट्रेशन बढ़ा दे देंगे तो सी और डी ज्यादा बढ़ेगा, और ए और बी के कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो सी और डी कम हो जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में देख लें कि पीछे की तरफ होगा तो क्या होगा, यानी प्रोडक्ट अब दोबारा रिएक्टेंट बन रहा है तो क्या होगा, तो रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एन डी। जितना सी एन डी बनेगा उसी के हिसाब से ए और बी में कन्वर्ट होगा। अगर सी और डी ज्यादा क्वांटिटी में है यानी प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्टेंट भी ज्यादा होगा। तो ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में है तो उसको हम के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं के एफ इज ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के सी मीन्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो के सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, ड्राइव कर लेंगे, कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए एक्स वाई जेड तो ये हिस्सा प्रोडक्ट कहलाएगा, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ करेंगे और ये हिस्सा रिवर्स रिएक्शन की तरफ चलेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है। इस तरह इन दोनों को फॉरवर्ड के लिए हम क्या कर यूज करते हैं, वर्ड के एफ का कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करते हैं, और रिवर्स के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, के आर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। पहले हमें सॉफ्ट वाटर का देखना पड़ेगा, फिर हार्ड वाटर का देखना पड़ेगा, फिर कितनी तरह की हार्डनेस होती है ये देखना पड़ेगा, और फिर इसको रिमूव करने का मेथड देखना पड़ेगा। सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं, जब हम यूज करें लेदर को बनेगा, यानी साबुन जब हम इससे हाथ में लगे तो झाग बनना चाहिए। ठीक है, इम्पिटिस को डिसॉल्व कर लेते हैं। हार्ड वाटर कौन सा होता है, जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे हाथ वगैरह में लगाएंगे तो क्या होगा, वो झाग नहीं बनेगा, लेदर नहीं प्रोड्यूस होगा, बल्कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, अब हार्डनेस के फर्दर दो कैटेगरी है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, देयर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस कौन से है, किस वजह से होती है, ये आमतौर पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट।
परमानेंट की कौन सी होती है? परमानेंट हमारी होती है आमतौर पे, उसके अंदर डिजोल्व होते हैं क्लोराइड वगैरह, ठीक है। ये क्लोराइड नजर आ रहे होंगे आपको, क्लोराइड है एल्युमिनियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, और परमानेंट जो होती है उसको और टेम्परेरी को, दोनों को सेपरेट करने के लिए का मेथड अलग है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट मेथड फॉर रिमूविंग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, हम इसमें से तीन देख लेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। अच्छा, पहला है जैसे केमिकल प्रोसेस, बॉइलिंग कर लेते हैं, बॉइलिंग से भी सेडिमेंटेशन हट जाती है, नीचे बैठ जाती है हार्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, एडिंग स्लैक लाइम यूज करते हैं जिसको क्लार्क प्रोसेस कहते हैं, और वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, और आयन एक्सचेंज रेजन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग को। जब हम बॉइल करते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, ये बाइकार्बोनेटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि सॉलिड होता है, और वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हमें वाटर प्योर मिल जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चला जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बॉटम पे सेटल हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ये भी बॉटम पे सेटल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा टेम्पररी का मेथड होता है वो क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड में क्या, हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, CaOH, ठीक है, OH2। और इससे हम कैसे टेम्पररी की रिमूव करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं कैसे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर हम किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, प्रिसिपिटेशन हो जाती है किसकी, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, और हमारे पास वाटर फ्री हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को यूज करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह हम, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से वाटर पे वो आराम से सेटल हो जाएंगे। इस तरह हम उसको ऊपर से निकाल लेंगे, प्योर वाटर, ठीक है। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस के लिए भी हम इस यूज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस के लिए तो या तो हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं या सोडियम ज़ियोलाइट के भी कहते हैं इसको, या आयन एक्सचेंज मेथड भी होता है, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, हम केमिकल लेते हैं जिसका नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ठीक है, और इसको सोडियम ज़ियोलाइट को हम रिमूव करते हैं कैल्शियम आइंस को और मैग्नीशियम आइंस को। क्या मेथड होता है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डाला, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और NaCl बन गया। अब इसके अंदर से NaCl रिमूव करने का दूसरा मेथड होता है, हम इस वक्त सिर्फ क्या करें, ये रिमूव करें क्लोराइड को, क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में, और सोडियम को अलहदा करने का मेथड, इसी वजह से हम इसको सोडियम ज़ियोलाइट कहते हैं। एडिंग वॉशिंग सोडा टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सल्फेट जो है, ठीक है, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट हमने ऐड किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया, बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होने की वजह से वाटर पे सेटल हो जाएंगे। फिर मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, मैग्नीशियम सल्फेट को हम जब ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट से तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, बॉटम पे सेटल हो जाएगा। इस तरह परमानेंट हार्डनेस जो क्लोरीन की वजह से या सल्फेट की वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस याद रखिएगा किसकी वजह से होती है, क्लोरीन की वजह से या सल्फेट की वजह से, उसको हम आराम से रिमूव कर सकते हैं किसकी मदद से, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ज़ियोलाइट की मदद से, और फिर इसको रिकवर कर लिया जाता है ज़ियोलाइट को। होप सो कि आपको समझ आया होगा, अगर फादर कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ लीजिएगा, तो मैं फादर एक्सप्लेन कर दूंगी, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, थैंक यू।